आज हम चंदनवाड़ी वैली घूमते आए हुए हैं, जो कि कश्मीर स्टे के दौरान हमारा रेगुलर स्पॉट है। यह जगह हमारे बेस हॉस्पिटल से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और जब भी हमें घूमने आना होता है तो हम मॉर्निंग में या इवनिंग में वॉक करते हुए यहाँ तक आ जाते हैं। देखिए, अगर आप लाइट मूड में घूमने आ रहे हैं तो ये एक बेहतरीन खूबसूरत जगह है। देखिए, यहाँ पर टेंट हाउस बना हुआ है, लीडर रिवर, माउंटेन्स, खूबसूरत देवदार के ट्री एंड बहुत सुंदर दिखने वाली रॉक्स, बहता हुआ पानी जिसका म्यूजिकल साउंड भी आ रही है, कभी कभी शोर जैसा सुनाई भी दे सकता है। और इधर भी माउंटेन देख सकते हैं। कुछ घोड़े वाले लोग अपने पोनी को यहाँ पर नहलाने भी लाते हैं, लेकिन दोपहर के टाइम और इवनिंग में ये छोटी सी खूबसूरत जगह है, यहाँ पे लोग पिकनिक स्पॉट की तरह एंजॉय करते हुए आपको नजर आएंगे। बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं होती, तो ये भी एक अच्छा फैक्टर है कि बहुत ज़्यादा क्राउड ना होने की वजह से गंदगी भी नहीं होती है, इसको पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। और बहुत ही हल्का महसूस होता है यहाँ पर, लाइट मूवमेंट रहते हैं यहाँ पर, और फोटोजेनिक प्लेस है। आप जब भी कोई तस्वीर खींचते हैं तो बेहतरीन फोटो निकल कर आते हैं यहाँ पर, जो टिपिकल कश्मीर की ब्यूटी होती है, और एक पॉजिटिव वाइब्स यहाँ कर मिलती हैं। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ आने के लिए कोई अलग से सीढ़ियाँ नहीं है। अब ये जहाँ सामने देख रहे हैं, यहाँ पे मैं जूम करके दिखाऊंगा, बहुत ही छोटा सा रास्ता है उतरने के लिए, सिंपल जिसे आप वॉक करते हुए उतरेंगे, अलग से सीढ़ियाँ नहीं है। लेकिन ऐसा बहुत इजीली आ जाते हैं, कोई रिस्क की कोई चांस नहीं है, ऐसा कोई खतरा नहीं है कि यहाँ पे कोई लोग इंजर्ड होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बड़े इजीली आते हैं। और जैसे ही आप अमरनाथ यात्रा मार्ग में एंट्री पॉइंट से एंटर करते हैं, तो ये वैली उसके राइट साइड में लोकेटेड है। यहाँ जिस साइड को फोकस किया हुआ, यहाँ इसके ठीक ऊपर वहीं अमरनाथ यात्रा में चंदनवाड़ी में एंटर करती है, और उसके ठीक राइट में ये लोकेटेड है। और यहाँ आने के बाद फिर आपको एक बेहतरीन एक्सपीरियंस होने जा रहा है कि हाँ, हम किसी पर्टिकुलर प्लेस पे थे, चंदनवाड़ी वैली में थे, और वो जो भी बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन से उनसे के कंपेरिजन में हमें जाकर एक अच्छी वाइब मिली, अच्छी फीलिंग आई, और हमने अच्छी फोटोग्राफी की, अच्छी वीडियो रिकॉर्ड की। थैंक यू वेरी मच।